ओके, तो जो आज का पोयम है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये पोएट हैं निज़िम एज़िकी, इसके पोएट हैं और ये एक इंडियन ज्यूविश पोएट हैं। ये एक एक्टर भी हैं, प्ले राइट और एडिटर भी हैं और आर्ट क्रिटिक भी हैं। तो इस पोयम में क्या होता है, जो ये पोयम ये डिपिक्ट करता है कि एक मदर का लव जो होता है, एक माँ का प्यार जो अपने बच्चों के लिए होता है, वो सेल्फलेस होता है, प्राइजलेस होता है। माँ अपने बच्चे से कभी भी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती या अपने बच्चों के लिए कभी बुरा कोई थॉट नहीं रख सकती है। हमेशा अपने बच्चों के लिए, अच्छे के लिए ही सोचती है, सेल्फलेस रहती है, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचती है। तो ये इस पोएम में डिपिक करता है। पोएट की एक स्टोरी है, जब उनकी माँ को एक रात, पोएम का मीनिंग है, नाम टाइटल ही यही है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मतलब एक ऐसी रात स्कॉर्पियन की रात, मतलब उनकी माँ को स्कॉर्पियन जो रहता है, बिच्छू, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, वो उनको स्टंग करता है, डंक मार के जाता है। तो उसकी ही स्टोरी है। और जब बिच्छू डंक मारता है तो बहुत ही मतलब पेन होता है, इचिंग होता है, स्वेलिंग होता है, सूज जाता है, बहुत ही परेशानी होती है। और ये सांप से भी ज़्यादा डेंजरस लगता है। ओके, तो ये स्टोरी शुरू होती है। आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। क्या होता है, पोएट को निज़िम एज़िकी जो पोएट है, उनको एक ऐसी रात याद आती है उनकी माँ की, जो उनको स्कॉर्पियन उस वक्त काटता है। 10 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, स्टेडी रेन मतलब कंटिन्यू बारिश ही चल रही थी। और माँ, क्या होता है, एक रूम जो है, उन एक रूम में कुछ चावल की गोनियाँ रखी होती हैं, वहाँ पे एक बिच्छू ने काट लेता है। मामा चावल निकालने जाती हैं और जो बिच्छू रहते हैं, स्कॉर्पियंस रहते हैं, वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जो सूखा हो और गर्म जगह हो। और 10 घंटे से कंटिन्यू बारिश होने के कारण क्या हुआ कि वो बाहर नहीं रह पा रहे थे, तो उन्हें अब कहीं सेफ जगह पे जाना था, तो वो उस कमरे में घुस गए, उस घर में चले गए पोएट के। तो पोएट के घर में जब जाते हैं, वो बिच्छू स्कॉर्पियन जब जाता है, तो क्या होता है, उनकी माँ उस वक्त वो गोनी के पास जाते चावल के, तो वो वहाँ से चावल निकाल रही होती हैं और उसने में वो उन्हें स्टंग कर लेता है, डंग मार देता है। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायोबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। क्या बोल रहे हैं कि वो इतना पॉइजनस था, उसकी जो टेल थी वो डायबॉलिक थी, मतलब एकदम डरावनी सी और एकदम शैतानी, शैतान वाली कहते हैं ना, डेविल जैसा था उसका पूछ, और बहुत ही पॉइजनस से भरा हुआ था वो। और वो रूम में अंधेरा था, बिकॉज़ वो गांव का एरिया था, फार्मर के सराउंडिंग थी उनके, तो वो लोग इतने मतलब अफोर्डेबल नहीं थे कि मतलब शहर में रहते तो कैसे लाइट पंखे सब मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, बट वो ऐसे गांव एरिया में थे, विलेज टाइप एरिया में थे, तो उनको इतना वो नहीं था, तो लैंटर्न वही सब जला कर रहते थे, तो लैंटर्न से तो पूरे घर में इतने उजाला हो नहीं सकता है, तो वो अंधेरा था। और वो जो बिच्छू था वो उधर पे था, और वो इसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो एकदम जहरीली और बहुत ही भयानक थी। तो वो जब डंग मारता है और बाहर बारिश होने की वजह से वो अंदर आया था, तो क्या बोलते हैं, द पीसेंट केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द ईविल वन। क्या बोलते हैं कि पीसेंट्स मतलब जो भी बाकी के फार्मर्स थे, उधर के रहने वाले फार्मर फैमिली, उनके घर के लोग, सब लोग दौड़े दौड़े आए जब आवाज़ आई चिल्लाने की कि उनके पैर में ऐसा है, उन्होंने सुना कि किसी को किसी ने मतलब स्कॉर्पियन ने मार के गया है, ऐसी सब चीज़ें जब सबने सुनी तो सब दौड़े दौड़े, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे हम पत्थर मार दे तो वो कैसे एक झुंड बनाकर भिन 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 आवाज़ कर कर उसके पीछे भागती है, उसी तरह बोले स्वैम्स ऑफ फ्लाइज मतलब सारे घेर बनाकर पीसेंट जो फार्मर्स थे, सब उनके घर में जो उनकी माँ थी जहाँ गिर गई थी बिच्छू के डसने से, वहाँ पे आते हैं और बैठते हैं और सब लोग भगवान का नाम, जैसे
जब मधुमक्खी उनको अटैक करती है हम पर, तो क्या करती है, भिन भिन भिनाती है ना, वैसे ही वो लोग भगवान का नाम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लेते ही जा रहे थे, लेते ही जा रहे थे, और कह रहे थे कि भगवान मतलब इस इनको इस परेशानी से निकाले, पैरालाइज हो जाना मतलब टू स्टॉप एन एक्टिविटी, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, दुख है, वो ख़त्म हो जाए, ऐसा ऐसा प्रे कर रहे थे। फिर क्या हुआ, कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके, विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, दे क्लिक देयर टंग्स विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। क्या बोलते हैं यहाँ पे पोएट, कि सभी लोग लैंटर्न्स और कैंडल्स लेके, उनके जो भी पीसेंट्स लोग थे, फार्मर फैमिली और नेबर्स थे, सब निकले और लैंटर्न कैंडल लेकर और उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे, क्योंकि सबका कहना ये था कि अगर स्कॉर्पियन मिल गया और उसे हम मार देते तो वो मतलब ठीक हो जाएंगे, स्कॉर्पियन मिल जाए तो। सब ढूंढने लगे हर जगह पे, मर्ड वाली वो बेक्ड वॉल्स थे वहाँ, सब हर जगह उन्होंने देखा, बट वो कहीं नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने क्लिक्ड देयर टंग्स मतलब क्या किया, हम करते ना ऐसे करते, नहीं मिला ऐसे करके, ऐसे करते आवाज़, तो वही किया सभी ने। फिर विद एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट में क्या कह रहे थे कि ये जो पॉइजन है ये मदर के ब्लड में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे लोग कहने लगे। फिर क्या बोलते हैं, मे ही सिट स्टिल दे सेड, क्या कहते हैं, हमें ऐसे बैठ के, ये सब लोग बैठते हैं और कहते हैं कि जब तक इनकी माँ को ब्लड में ये जहर फैलता रहेगा, जब तक स्कॉर्पियन आगे आगे बढ़ता रहेगा, तो वो लोग इसलिए उसे ढूंढने निकले थे स्कॉर्पियन को, जो कि नहीं मिला। सिट स्टिल दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नट अवे टू नाइट, दे सेड, मे योर सफरिंग डिक्रीज, द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। क्या बोलते हैं, सभी लोग आकर जब स्कॉर्पियन नहीं मिला और सब लोग कहने लगे कि ऐसे कर कर बोले ना कि अभी तो बहुत मतलब ब्लड में जहर फैलता ही जा रहा है, पॉइजन फैलता ही जा रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियन जितना आगे चलता रहेगा वैसे ही पॉइजन भी बॉडी में मदर के फैलता रहेगा, ऐसा सब बोलने लगे। और फिर सब एक साथ आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये उनकी मदर को कहते हैं पोएट के, कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के सिंस है, मतलब पाप हैं जो तुमने किए हैं, जिनकी सज़ा तुम्हें अभी मिल रही है और पूरी रात शायद मिले, और तुम ऐसे ही सफरिंग करती रहोगे, परेशान होती रहोगे, हो सकता है तुम्हारे सारे जो पाप मतलब इस तरह तुम्हारे पाप कम होते जाए, ऐसा सब लोग कहने लगे। और फिर क्या बोलते हैं, द मिस फॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट, तुमने जो भी तुम्हारा पिछले जन्म का दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून है, दुर्भाग्य है, वो सब तुम इस जन्म में अभी भुगत रही हो। मे द सम ऑफ ऑल ईविल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेन द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाई योर पेन, हो सकते तुम्हारे अभी के ये जो पेन तुम सह रही हो, उन पेन को सहकर तुम्हारे जो भी पाप है वो रिड्यूस हो जाए, डिमिनिश्ड हो जाए, डिमिनिश्ड मतलब ख़त्म हो जाए, मतलब रिड्यूस हो जाए, हो सकता है अभी के तुम्हारे ये जो दर्द है वो तुम्हारे पिछले जन्म के हर बुरे काम को, बुरे पाप को ख़त्म कर दे और अच्छा जीवन दे तुम्हें। तो मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेट एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इच फेस। सभी लोग मतलब सभी के चेहरे पे पीस दिखाई दे रहा था, पोएट को शांति दिखाई दे रही थी, सबने उन्हें ऐसे राउंड में बैठे थे, गोल वो बीच में थी मदर और सब आजू बाजू में ऐसे सर्कल बनाकर उनके बैठे हुए थे, और सब यही कह रहे थे कि हो सकता है तुम्हारी आत्मा प्योर हो जाए, मतलब साफ़ हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, तुम्हारे स्पिरिट मतलब हमारी आत्मा जो है तुम्हारे, और तुम्हारे जो भी कर्म है पिछले जन्म के, जो तुमने बुरा किया है, वो सब कुछ इस जन्म में तुम भुगत रहे हो, और इससे तुम बुरा मत समझो, ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में अभी खुशियाँ हो, क्योंकि अभी तुम बहुत दर्द में हो। एक्चुअली ये सब ये लोग क्यों कहते, बिकॉज़ वो गांव के लोग फार्मर थे, एक तो वो विलेज साइड एरिया था, तो वहाँ के लोग इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करते थे कि पाप है, पुण्य है, उनको ऐसे ऐसे फॉलो करो, ये करो, वो करो, तो सुपरस्टिशियस लोग रहते थे वहाँ, सुपरस्टिशंस को मानने वाले, तो इसलिए ऐसे लोग कह रहे थे। फिर अभी क्या होता है,
नेक्स्ट पेज पे क्या है, मोर कैंडल्स मोर लैंटर्न मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, मतलब सब कुछ बढ़ते ही जा रहा था, मोर कैंड सब और कैंडल्स जलाते जा रहे थे, लैंटर्न्स जलाते जा रहे थे और नेबर्स जमा होते ही जा रहे थे और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स जो थे वो भी बढ़ते जा रहे थे क्योंकि बाहर एंडलेस बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कीड़े मकोड़े भी इंसेक्ट्स भी अंदर ही आ रहे थे। तो माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग मतलब क्या होता है कि कहरते हैं ना हम, मतलब आह ऐसे करके थोड़ा सा उनकी मदर ने मोमेंट किया, ट्विस्ट किया, मोमेंट किया उनके जिस मैट पे उनको लेटाया गया था और उन्हें ग्रोनिंग किया, मतलब क्या किया उन्होंने साउंड निकाला आह करके ऐसे, तो उन्हें बहुत पेन हो रहा था। फिर उनके जो फादर थे पोएट के वो कैसे थे, क्या बोलते पोएट, माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। ओके, क्या बोलते हैं कि उनके फादर स्केप्टिक और रैशनलिस्ट है, स्केप्टिक मतलब कि संदेह करने वाले लोग और तर्कवादी, मतलब ये सब अंधविश्वास को ये वो बिल्कुल नहीं मानते थे, उन्होंने पूरी लाइफ में कभी नहीं माना कि ये सब चीज़ होता है कि नहीं, मतलब कुछ इन्होंने ऐसा नहीं माना, बट उस दिन उन्हें ये चीज़ें रियल लग रही थी क्योंकि उनके वाइफ के साथ हुए और वो उस पर ट्रस्ट कर रहे थे, जबकि वो तर्कवादी रैशनलिस्ट थे, मतलब वो हमेशा इसके तर्क वितर्क करना कहते हैं ना, मतलब उस चीज़ को ना मानना, सुपरस्टिशन ना मानने वाले, तो वो वैसे पर्सन थे। तो लेकिन उस दिन वो अपने वाइफ को मतलब उनकी मदर को पोएट के माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी थे, वो हर एक कर्स मतलब जो कर्स मतलब जो भी पाप है पुण्य सब पे वो बिलीव कर रहे थे उस दिन, बट उससे पहले वो कभी नहीं करते थे। जो भी पाउडर मतलब मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड मतलब कोई भी जड़ी बूटी कोई भी पाउडर कोई लाके दे रहा था ये खिलाइए इससे ठीक होगा उसे, वो हर चीज़ पे बिलीव कर रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, पैराफिन नथिंग बट वॉट अ ऑयल, इट इज़ अ ऑयल जो कि सॉलिड में भी आता है लिक्विड में भी आता है, वो ऑयल होता है जिसको उन्होंने उनके मदर के पैर पे डाला, टो पे डाला और क्या उसको आग लगाई, क्योंकि ये किसी ने सजेस्ट किया था कि इससे उनका पेन कम हो जाएगा, तो उनके फादर ने ये भी किया। फिर आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद द इंक्लेनेशन। ओके, और आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस इट्स स्टिंग। तो क्या होता है उस वक्त जब उनकी मदर के पैर पे जब आग लगाते हैं वो उस आग को देखते हैं, और तो जो पोएट रहते हैं वो जिसने उन्हें सजेस्ट किया था ना कि मतलब पैराफिन डालकर